नमस्कार दोस्तों, मैं आत्रेयी विश्वास रॉय एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मेरा नया वीडियो लेकर। हम हर दिन बहुत सारी ऐसी बातें सुनते या फिर देखते हैं जो सदियों से चली आ रही है। कुछ बातों को हम आस्था मानकर अपना लेते हैं, वहीं बहुत सारी बातों को हम अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग बहुत तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जैसे घंटी ताली थाली बजाने से आखिर क्या होगा, एक शंखनाद से क्या हो जाएगा, साथ ही दिया जलाने से क्या होगा वगैरह वगैरह। और इसीलिए आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप हिंदू कल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को जान सके, साथ ही उसके पीछे के साइंस को भी जाने। अभी कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि कोरोना संकट के बीच देश के पीएम ने लोगों से घंटी ताली थाली बजाने की अपील की थी। एक्चुअली घंटी बजाने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि उनमें बने हुए रिंग्स हमारे दिमाग को साफ करती है और हमें हमारी एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है। ये घंटियां इस तरह से बनाई जाती हैं कि जब वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं तो ये हमारे दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से में एक एकता पैदा करती हैं। जिस वक्त हम घंटी को बजाते हैं ये एक तेज साउंड प्रोड्यूस करता है जो मिनिमम 7 सेकंड तक रहता है। ये हमारे दिमाग को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में मंदिरों में सबसे पहले घंटी बजाकर प्रवेश किया जाता है, ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व नमस्कार कर रहा है। हाथ मिलाने की परंपरा फॉरेन में हमेशा से रही है, जिसे हम हैंडशेक कहते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के डर से लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतराने लगे हैं और एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। इंडियन कल्चर में ये जेस्चर है, लेकिन इसके पीछे भी साइंस छुपा है। जब हम हाथ जोड़कर किसी को नमस्कार करते हैं, तब हमारी उंगलियों के टिप्स एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेशर बनाते हैं। ये प्रेशर पॉइंट आंख, कान और दिमाग के होते हैं। इन प्रेशर पॉइंट्स के मिलने से हमारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं, जिससे हम उस इंसान को लंबे समय तक याद रखने के काबिल बनते हैं। साथ ही जब आप नमस्कार करते हैं तो आप किसी के भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिससे आप कीटाणु मुक्त रहते हैं। हमारे धर्म में पूजा पाठ के साथ उपवास की परंपरा भी पुरानी है। आज की जेनरेशन इसे महज एक सुपरस्टिशन बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सुपरस्टिशन नहीं है बल्कि साइंटिफिक है। हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिक मटेरियल यानी कि विषाक्त पदार्थ मौजूद होते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि इन विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाए। उपवास करने से हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को आराम मिलता है और हमारा बॉडी क्लीन होता है। उपवास से हमारे हार्मोन्स भी सही तरह से काम करते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग से हमें बचाता है। इंडियन कल्चर में हम कोई भी पूजा पाठ या कहीं किसी का स्वागत भी टीका लगाकर करते हैं। कुछ लोग टीका अवॉइड करते हैं, पर आप माने या ना माने, यहाँ भी साइंस है। हमारे माथे पर दोनों आईब्रो के बीच में एक नर्व पॉइंट होता है। जब हम अपनी उंगली से उस नर्व पॉइंट को दबाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ता है, साथ ही हमारी एकाग्रता को भी बढ़ावा मिलता है। टीका लगाने से चेहरे की मांसपेशियों में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ये बेसिकली आपके हेल्थ को पॉजिटिव वे में इफेक्ट करता है। जब हम सोने जाते हैं तो हमने कई बार अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना कि उत्तर दिशा में सर करके मत सो। इसके पीछे वो रीजंस भले कुछ और दें, लेकिन इस बात के पीछे प्रूवन साइंस और ज्योग्राफी है। आप दुनिया का मैप देखेंगे तो वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के कारण दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। और ये पोल्स अपने हेमिस्फीयर में पड़ने वाले एरियाज को मैग्नेटिक फोर्स से खींचते हैं। इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसीलिए नॉर्थ यानी उत्तर में सर कर सोने से नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फोर्स काम करती है, जिससे आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। ठीक ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में पड़ने वाले साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण या साउथ डायरेक्शन में सर करके सोना ठीक नहीं माना जाता है। जब भी ग्रहण लगता है तब हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए पाते हैं कि घर से बाहर मत निकलना और इस दौरान खाना मत खाना। बहुत लोग इस पर यकीन करते हैं। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है बल्कि इसके पीछे भी साइंस है। ग्रहण लगने के समय बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में पनपने लगते हैं। यही वजह है कि उस वक्त कहा जाता है कि खाना नहीं खाने, क्योंकि ये बैक्टीरिया खाने में जा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं।
इसीलिए तुलसी के पत्तों को एक्लिप्स के दौरान खाने में डाल देने के लिए भी कहा जाता है ताकि बैक्टीरिया उसमें पनप नहीं पाए। घरों में तुलसी और बाहर बरगद पेड़ की पूजा की बात आप सभी जानते हैं, पर कुछ लोग पूछते हैं कि पीपल पेड़ की पूजा क्यों होती है, जल क्यों चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। दरअसल पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पेड़ों में से एक है। आयुर्वेद में भी पीपल के पेड़ की पत्ती, छाल और जड़ों का भी बहुत ज्यादा महत्व है। पीपल का पेड़ 50 से ज्यादा डिसऑर्डर्स या बीमारियों को ठीक कर सकता है। इन्हीं सब वजहों से पीपल के पेड़ों को कोई काटे ना, इसीलिए हिंदू धर्म में इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। तो ये थी 7 ऐसी बातें जिस पर आस्था और विज्ञान की तर्क हमेशा से होती रहती है, पर यकीन मानिए कि हमारी संस्कृति में कई ऐसी बातें हैं जिसे हम आस्था कहें, मान्यता कहें या अंधविश्वास कहें, उसके पीछे वैज्ञानिक तर्क कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। इसीलिए किसी भी बात को मानने या ना मानने से पहले उसके पीछे की हकीकत को जरूर जांच लें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।